गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले दो तीन वीडियो में हमने बीए सेकंड ईयर के कुछ पोएम्स के बारे में डिस्कस करी, जिसमें हमने डिस्कस करी है सबसे पहले लंदन के बारे में, फिर उसके बाद हमने ऑटम के बारे में डिस्कस करी है। आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स के बारे में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और सॉलिटरी रिवर को लेके। डियर स्टूडेंट, मैं फिर कहना चाहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस पूरी की पूरी कविता को जानने का प्रयास करें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सॉलिटरी रिवर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 2021 के एग्जाम पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, ये कविता वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने लिरिकल ब्लैक कविताओं की शुरुआत 1798 में एसटी कोलरिज के साथ, और एसटी कोलरिज और डोरोथी अपनी बहन के साथ यह 6 महीने की यात्रा पर जो गए, उस दौरान इन्होंने कविता लिखी। तो कविता जो लिखी गई 1805 में लिखी गई और 1807 में कविता को पब्लिश किया गया। सॉलिटरी रिवर कविता एक पेस्टोलिक ब्यूटी कविता है, जिसमें कवि पेस्टोलिक हाईलैंड के बारे में बताता है और वहां के प्राकृतिक जीवन के बारे में हमें बताता है, क्योंकि यह हाईलैंड की यात्रा पे गया था, उसी दौरान इन्होंने ये कविता लिखी है। जब ये यात्रा के दौरान जाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि कविता की थीम, प्लॉट और समरी क्या है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब कवि हाईलैंड के घास के मैदानों में जाता है, तो वहां एक ग्रामीण लड़की के द्वारा गाए गए संगीत को सुनकर के कवि बड़ा रोमांचित हो जाता है, और वो इतना रोमांचित हो जाता है कि वह उस लड़की के संगीत को सुनने के प्रति बहुत आतुर हो जाता है, और वो उस लड़की के संगीत को बड़े ध्यान से सुनता है, और सुनते हुए वो ये कहता है कि शायद नाइटिंगेल पक्षी और कुकू बर्ड ने भी, कोयल पक्षी ने भी इतना सुंदर कभी गाया होगा। और उस लड़की के संगीत के ये भी कहता है कि उस लड़की का संगीत इतना मधुर, इतना आनंददायक और इतना खुशी प्रदान करने वाला लग रहा था, जिस तरह के अरेबियन शेड के मैदानों में जब कोई व्यक्ति छायादार वृक्ष के नीचे बैठ करके जो खुशी प्राप्त करता है, वो खुशी कवि को उस लड़की के संगीत को सुनने से मिल रही थी। तो इस प्रकार वो नाइटिंगेल पक्षी और कुकू बर्ड उसके बारे में बोलता है। फिर कवि जो है वो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द गर्ल सॉन्ग, वो उसकी थीम को जानना चाहता है, बट ही कुड नॉट फाइंड आउट, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता है। इसीलिए वो खुद यहाँ इमेजनरी का प्रयोग करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, कवि यहाँ इमेजनरी का प्रयोग करता है कि शायद वो लड़की अपने दुखों के बारे में गा रही हो, शायद हो सकता है परिवार के दुखों के बारे में, या हो सकता है कि कई सालों पहले वाटरलू के युद्ध का मैदान था यहाँ पे, और वाटरलू का युद्ध लड़ा गया, हो सकता है वो अपने पूर्वजों को खो दी हो, या हो सकता है अपने प्रेमी को खो जाने पर रो रही है। तो कवि कई तरह से यहाँ इमेजनरी करता है, लेकिन कवि कहता है कि लेट्स फॉरगेट इट, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़की का संगीत इतना आनंददायक कवि को लग रहा था कि वो उसको सुनने के लिए पहाड़ी पर भी चढ़ जाता है, और वो उस लड़की को हाईलैंड के घास के मैदानों में अकेले ही फसल काटते और गाते हुए सुनता है। तो कवि यहाँ अंत में ये कहता है कि शायद किसी मैंने मेरी लाइफ में ऐसा संगीत सुना होगा, जब कभी भी मैं दुखी परेशान होता हूं तो मैं उस लड़की के संगीत को याद कर लेता हूं। तो एक समरी है और ये प्लॉट तैयार किया गया है कि एक लड़की के संगीत को सुनकर के कवि बहुत रोमांचित हो जाता है, और पूरी की पूरी कविता में पेस्टोलिक ब्यूटी को बताया गया है, जो हाईलैंड के घास के मैदानों की ब्यूटी है। तो इस तरह से आप इसकी समरी को याद करें। कविता में से मैंने कहा है, बड़ा आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि डिफाइन द सॉलिटरी रिवर इज ए पेस्टोल पोएम, डिफाइन कीजिए। और एक प्रश्न आपसे यूपी ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द पोएटिक क्वालिटी इन द पोएम विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड्सवर्थ, और पोएटिक क्वालिटी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या हो सकता है पूछ ले आपसे राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट द पोएम द सॉलिटरी रिवर। तो मैंने बताया है कि जब आपको पोएट्रिक क्वालिटी के बारे में पूछा जाए, या हो सकता है इसके पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में पूछा जाए, तो पोएम और पोएट के इंट्रोडक्शन के साथ इसकी थीम और प्लॉट को डिस्क्राइब करें, और उस नेचुरल ब्यूटी को भी इसमें बताए जो इसमें बताया गया है, क्योंकि इसमें पहला स्टंजा और सेकेंड स्टंजा में कवि ग्रामीण क्षेत्र के हाईलैंड के घास के मैदानों के बारे में बात करता है, जो विशाल रूप से फैले हुए हैं। फिर वो यहाँ कंपैरिजन करता हुआ नाइटिंगेल पक्षी और कुकू बर्ड के बारे में बताता है, जो पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में बताता है। तो ये सारी चीजें आप अपने पोएटिक ब्यूटी में इसमें लिखे, और पेस्टोरल ब्यूटी का जब आप लिखें तब ये सारी चीजें डिफाइन करें। मैं बात करना चाहूंगा इमेजनरी की, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि डिफाइन द ग्रेट इमेजनरी ऑफ वर्ड्सवर्थ इन द पोएम द सॉलिटरी रिवर। तो यहाँ पर तो इमेजनरी करता है कि किस तरह से घास के मैदानों में वो लड़की गाती है, इतना सुंदर गाती है कि इतना उसको आनंद मिलता है कि जितना आनंद अरेबियन शेड में घूम कर आए हुए व्यक्ति को
छायादार वृक्ष के नीचे बैठने से जो आनंद मिलता है वो आनंद उसे मिलता है। फिर वो इमेजनरी करता है कि शायद वो अपने दुखों के बारे में गा रहे हो, हो सकता है परिवार के दुखों के बारे में। तो ये सारी इमेजनरीज आप इसमें लिखिए। लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ अपना आंसर आप इसमें खत्म करें। छोटा प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली मैं तीन प्रश्न बता रहा हूं और इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से लर्न करें। पहला है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, कविता की थीम क्या है, कविता की विषय वस्तु की पेस्टोरल ब्यूटी पोएम है जिसमें कवि हाईलैंड के घास के मैदानों की बात कर रहा है और लड़की के गाए गए संगीत के बारे में कह रहा है जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से संगीत गाती है जो कवि को रोमांचित कर लेता है। डिफाइन द पोएम इज फुल ऑफ पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में मैंने बताया है अभी आपको। टू विस्टिंग किस चीजों से वो तुलना करता है लड़की के संगीत की, तो वो तुलना करता है नाइटिंगेल पक्षी से और कुकू बर्ड से। ध्यान दीजिएगा कविता जो है वो टू कैंटोज में लिखी गई कविता है, 1805 में लिखने इसने शुरू किया, 1807 में ये पब्लिश हुई है टू कैंटोज में। और ये अपने भाई डोरोथी और अस्टी कोलरिज के साथ हाईलैंड के जब घास के मैदानों की यात्रा पे जाता है तो उस दौरान ये कविता लिखता है। 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, दोनों की दोनों कविता द सोलिटरी रीपर और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सोलिटरी रीपर में जैसा मैंने बताया है उसी तरह से आप लर्न करें। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई नोट्स आपको चाहिए तो मेरे से जरूर संपर्क करें। मैंने बताया है हमारी कोचिंग गौशाला और टोंक फाटक दोनों दोनों जगह पर है। फिर भी अगर मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मेरे नंबर है इसमें 9928669902 पे आप मेरे से संपर्क करके इसके बारे में आप जानकारी मेरे से ले सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरे से आके पढ़ सकते हैं, मैं आपका पूरा कोऑपरेट करूंगा आपको इनसे इन सारी चीजों को बताने में। कुछ दिनों के बाद मैं इसमें ओल्ड पेपर भी डालूंगा, ओल्ड पेपर का पैटर्न भी मैं डालूंगा कि किस तरह से पेपर आता है, वो भी आपको बड़ा मददगार सिद्ध होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे और अपने कमेंट हमें जरूर लिख के भेजें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।